दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं सीटेट ऑनलाइन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अगर आप सीटेट नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे तो अभी तक आपके इंतजार की घड़ियाँ फिलहाल के लिए समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं, आप सभी को एक बात पता है, पहले ही लगभग एक दो महीने पहले सीटेट का एक फर्जी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तब से आप सभी को लेकर यह कंफ्यूजन का विषय बना हुआ था कि आखिरकार सीटेट जो दिसंबर का ऑनलाइन आवेदन है वह कब तक कराया जाएगा। आप देख पा रहे हैं आवेदन की तिथि 31 अक्टूबर। बिल्कुल मैं आप सभी से बताना चाहूंगा, सीटेट के जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि रखी गई है वह 31 अक्टूबर से आपकी प्रारंभ होगी और जो अंतिम तिथि आपकी रखी गई है 24 नवंबर, यानी 31 अक्टूबर से चलकर 24 नवंबर तक आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वह समाप्त हो जाएगी। आप यहां देख पा रहे हैं तीर के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस आपके समक्ष लगी हुई है और मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है। बिल्कुल इसके बारे में आपको जानने की उत्सुकता जरूर हो रही है कि आखिरकार परीक्षा हमारी कब तक हो सकती है। और बीएड बीटीसी वालों के लिए खुशखबरी, बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप बीएड और बीटीसी कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं सीटेट के आने से आप सभी को एक खुशी जरूर जागृत हुई होगी। आप देख पा रहे हैं एक कन्फ्यूजन और आपका लगातार बना हुआ है। पिछली बार आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराई गई थी, इस बार भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना है कि क्या परीक्षा ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस अपडेट से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं जो सीटेट की तरफ से निकल कर आ रही है। देखिए आपके समक्ष ऑफिशियल नोटिस लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर देख पा रहे हैं यह 20 तारीख की अपडेट्स आपके समक्ष लगी हुई है सब कुछ, ठीक है। अगला आपके द्वारा कहा जा रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 17वें संस्करण की परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख सूचना दी जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम भाषा पात्रता मानदंड परीक्षा शुल्क शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट आप देख पा रहे हैं http://sitetnic.in पर शीघ्र उपलब्ध होगा। और इच्छुक जो उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड कर लें और आवेदन करने से पहले ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवार केवल सीटेट वेबसाइट यानी सीटेट वेबसाइट आप माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं 31 अक्टूबर दिन सोमवार से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 24/11/2022 है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं शुल्क का भुगतान जो है आप 25 तारीख तक कर सकते हैं, ठीक है। आप सारी चीज़ों का देख जो नोटिफिकेशन है आप देख पा रहे हैं। इस कॉलम को आप देखिए, यहाँ परीक्षा शुल्क का विवरण दिया गया है। अगर ओबीसी सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप एक पेपर डालते हैं तो एक पेपर के लिए आपको 1000 देना होगा और दोनों पेपर के लिए आपको 1200 रुपये देना होगा। SC ST और विकलांग कैंडिडेट के लिए एक पेपर के लिए 500, डबल के लिए जो है यानी प्राथमिक और जूनियर के लिए अगर दे रहे हैं तो आपको 600 रुपये देना होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ किया गया है, पहली बार पता था कि बहुत दूर दूर आपका सेंटर दे दिया था, लेकिन इस बार परिवर्तन किया गया है। इसमें कहा जा रहा है उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर की क्षमता उपलब्धता के अनुसार उस परीक्षा शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके आवेदन शुल्क का भुगतान कर देंगे उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी भी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपलोड होने के दौरान किसी भी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करना करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प भी दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है उसके भुगतान के तरीके और उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। सीटेट की इस परीक्षा के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा शहर में परिवर्तन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।
और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपना आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। आपके द्वारा इसमें जो है सीटेट की तरफ से यह बताया जा रहा है कि पहले आओ। अगर आप सीटेट के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पहले भर देते हैं तो जो भी शहर आपको मिला हुआ है उसी में जो भी शहर आपने लॉक किया है उसी में आपको परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए पिछला आपने देखा था किसी को 200 किलोमीटर किसी को 500 किलोमीटर इस तरह से सीटेट का सेंटर बना हुआ था। तो इस वर्ष परिवर्तन किया गया है, अगर आप पहले फॉर्म भर देते हैं तो आपको नज़दीक सेंटर दिया जाएगा और अगर आप विलम्ब से फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको आवेदन जो है इसमें आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर आप नहीं जाना चाहते या इस तरह की बातें तो फिलहाल नहीं कही गई हैं। लेकिन अगर इसमें देखिए हम थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, उम्मीदवार रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए विकल्प उम्मीदवार या तो किसी अन्य शहर का चयन करें। इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपलोड होने के दौरान यदि विशेष शहर की कुल क्षमता जो यानी बच्चों की क्षमता जो है वो अगर पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करना होगा या भुगतान रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। अगर आप भुगतान रद्द कर देते हैं या आप भुगतान रद्द करके आपका जो शुल्क होगा वह आपके खाते में जो है टोटल का टोटल पैसा आपका रिफंड कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन की जो शुरू होने की तिथि है वह 31 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। 24 तारीख तक आपका ऑनलाइन आवेदन मीन्स 24/11/2022 तक आपका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ देख पा रहे हैं हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस सीटेट के लिए बीएड और बीटीसी कैंडिडेट दोनों एलिजिबल माने जाते हैं। अगर आप बीएड हैं तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी हैं तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यह परीक्षा जो आपकी कराई जा रही है सीटेट दिसंबर को दृष्टिगत रखते हुए कराई जा रही है। फिलहाल के लिए यह 2022 में तो नहीं हो पाएगा, 2023 में यह आपकी परीक्षा बिल्कुल करा ली जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।